बैंक ऑफ बरोडा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। कहाँ जा रहे हैं हम? आपका बेटा बड़ा हो गया पापा, और अब हमारा घर भी। गेट क्विक एंड इजी होम लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बरोडा फॉर योर ड्रीम होम। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने अदाकार एसएम ज़हीर, यानी सैयद मोहम्मद ज़हीर। एसएम ज़हीर, सैयद मोहम्मद ज़हीर। हर माँ बाप की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उन्हें इनकार सुनना पड़ता है, अब वो भी अपनी औलाद से। एसएम ज़हीर का शुमार भारत के अहम कैरेक्टर एक्टर्स में किया जाता है, जिनकी मौजूदगी ने कई टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों को यादगार बना दिया है। एसएम ज़हीर 7 जुलाई 1944 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक जमींदार घर में पैदा हुए। नैनीताल में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लखनऊ आ गए, जहां से एसएम ज़हीर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहीं से उनमें थिएटर का शौक पैदा हुआ। लखनऊ के बाद एसएम ज़हीर गाजियाबाद में मोहन मकेंस में बतौर इंजीनियर काम करने लगे, जहां रहते हुए एसएम ज़हीर का ताल्लुक थिएटर से और भी गहरा होता चला गया। 1975 में एसएम ज़हीर ने थिएटर की दुनिया में अपनी अदाकारी का सिक्का जमा दिया। नाटक था विजय तेंदुलकर का लिखा जात ही पूछो साधु की। वाह वाह, खूब सबक याद कराया है तुम्हारे मालिक ने तुमसे, तुम्हारे कक्का ने। मैं अपनी गलती सुधारूंगी और आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। हाँ, मत मिलना। अगले दिन के अखबार की सुर्खियां थी आई स्टार इज बॉर्न। इसके बाद एसएम ज़हीर के पास टीवी सीरियल्स के ऑफर्स आने लगे। एसएम ज़हीर टेलीविजन पर पहली बार 1984 में दूरदर्शन के पहले मेगा सीरियल हम लोग में नजर आए, जहां उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन गई। एसएम ज़हीर ने 1986 में रमेश सिप्पी के धारावाहिक बुनियाद में वकील हबीबुल्ला के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज की। लोगों के दिलों में भाईचारे का जज्बा फिर से जगाने की जरूरत है, और दूसरी उससे भी अहम बात यह है कि आज के माहौल में भाईचारे का जज्बा जगाना बहुत मुश्किल काम बन चुका है। हर गुजरते साल के साथ एसएम ज़हीर फिल्मों में मसरूफ होते चले गए, जिसके सबब उन्होंने आखिरकार इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, और फिर एसएम ज़हीर निकल पड़े अपने फिल्म करियर के कभी न थमने वाले सफर पर। बतौर एक्टर एसएम ज़हीर को श्याम बेनेगल, यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी और गुलजार जैसे फिल्म डायरेक्टर्स की सरपरस्ती हासिल रही। सुना है तुमने अपने घर में किसी टेररिस्ट को पनाह दे रखी है। टेररिस्ट? कौन से टेररिस्ट की बात कर रहे हैं आप? तुम्हारा क्या नाम है? कृपाल सिंह। कृपाल, इनके क्या लगते हो? जी, ये मेरी बहन के मंगेतर हैं। दिल्ली से भागा है केदारनाथ एमपी का खून करके। क्या नाम बताया? जिमी। जिमी? जिमी है या भगा दिया? वीर ज़ारा, माय नेम इज़ खान और आरक्षण जैसी लोकप्रिय फिल्मों के जरिए एसएम ज़हीर आज भी अपने चाहने वालों के दिलों तक पहुंच रहे हैं। हम लोगों से कहा जाता है कि अगर टेररिस्ट के बारे में कोई खबर मिले, कोई जानकारी हो, तो गवर्नमेंट को बताइए, और जब हम बताने जाते हैं तो नतीजा क्या होता है आपके सामने। आखिर एक ही सवाल बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि खान क्यों मिलना चाहता है प्रेसिडेंट से? अपने लंबे अनुभव की बदौलत एसएम ज़हीर की शख्सियत में एक फिल्म अदाकार की वो सारी क्लासिक की खूबियां शामिल हैं जो अब वक्त के साथ दूसरे अदाकारों में कम होती जा रही हैं। मेरी नाचीज राय ये है कि एक ही घर से तीन आदमी लेने के बजाय अगर आप किसी दूसरे को ले लीजिए। शाहीन कह रही थी कि सलीम शायरी करने लगा है। कभी कभी आप बड़ी बचकाना बातें करने लगती हैं बेगम। अरे भाई, इसमें बुराई क्या है? और फिर उर्दू जबान है ही ऐसी कि जरा सी कोशिश से उसमें वजन और मौसीकी पैदा हो जाते हैं। अभिनय की बारीकियां, जबान की लताफत, आवाज का इस्तेमाल, जिंदगी का तजुर्बा और इंसानी जज्बात की गहरी समझ एसएम ज़हीर की चंद खूबियां हैं
जिनका कोई भी बदल ढूंढ पाना फिलहाल नामुमकिन है। आप कभी भी ठहर सकते हैं, आप खंडर हैं। दादा हुजूर। उफ, बताइए क्या कहना है, बोलिए। जब आपको सुनाई दे रहा था तो आप आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब, हमको बताइए कि इस एक्टिंग के फील्ड में आप क्या पाते हैं कि बतौर एक्टर आपको आपकी एक्टिंग एबिलिटीज़ के अलावा जो ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ आपको ज़्यादा एक वेटेज या एक बढ़त उसमें हासिल होती है कि ज़बान का बतौर एक्टर आपके लिए आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है? ज़बान का इस्तेमाल, सही प्रोनंसिएशन, सही तलफ़ुज़, आई एम सॉरी टू से कि वो आजकल थोड़ा सा मिस होता है। मेरा ये एडवांटेज ज़रूर है और उसमें मेरा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लखनऊ से ताल्लुक़ रहा, वहीं मेरी तालीम हुई, पूरी एजुकेशन वहीं हुई, तो वो मेरे कल्चर में था। अगर ज़रा से भी कोई गलती बचपन में भी हो जाती थी तो वालदैन टोक दिया करते थे, ये ऐसा नहीं, ऐसा है। तो उस टोका टोक टाकी की वजह से आज उसका फ़ायदा मुझे ज़रूर है। और हालांकि ज़बान की वो मिठास शायद अब नहीं रह गई है लखनऊ छोड़ने के बाद में, लेकिन फिर भी फौकिया ज़रूर हासिल होती है और दूसरों के मुकाबले में। बल्कि जो साथ में फ़नकार अदाकार कभी कभार होते हैं तो मतलब मैं कोई उसमें बड़प्पन में नहीं कह रहा हूँ, मेरी वजह से उनकी ज़बान थोड़ी सी सही हो जाती है। तो सब मिला के थोड़ा सा प्लस पॉइंट तो रहता है ज़बान का। और जहाँ पर वो खुदा का खुदा हो गया तो ऐसा लगता है जैसे कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ आ गई है। तो वो करेक्शन तो होते रहते हैं और साथ में जो लोग काम करते हैं, बाकी लोगों में मतलब जितना एक अपना कल्चर होता है, ज़बान के ऊपर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारी तरफ था तो उसका फ़ायदा आज मुझे मिलता है। ये सवाल हमने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि इस लंबे सफ़र में आपको बहुत सारे ऐसे तजुर्बात सामने आए होंगे, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस सामने आए होंगे कि आप ही का कोई को एक्टर जिसको ज़बान पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सवाल सिर्फ तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन का ही नहीं है बल्कि ओवरऑल लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज को बरतने का सवाल है कि आप जब आप कोई स्पीच सामने लाते हैं तो उसमें क्या क्लैरिटी, कन्विक्शन और एक लिटरेरी रेफरेंस, ये सब भी चीज़ें जो कैरेक्टर आपका बोल रहा होता है वो ना होने से वो कहीं पीछे छूट जाता है, वो पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर टैलेंट वहाँ पर कहीं हार जाता है क्योंकि ज़बान और मतलब जो लिटरेरी रेफरेंसेस हैं, पढ़ना लिखना बहुत अहम रोल प्ले करता है। लोग सोचते हैं कि खाली एक्टिंग सीख कर आप कुछ जिसे कहते हैं जंपिंग मंकीज़ की तरह काम कर लेंगे, तो इम्पर्सोनेशन सिर्फ उससे ही नहीं होगा कि जो एक्टिंग की जो बारीकियां सीख लेने पर से। पहली बात तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, सिखाई भी नहीं जा सकती। ये टैलेंट आपके अंदर होता है, उसको पॉलिश करके आप कितना निखार सकते हैं वो आपकी अपनी काविशें, आपकी अपनी मेहनत उसके अंदर शामिल होती है। और अब दौर बहुत तेज़ हो गया है, मतलब हर काम जल्दी, हर चीज़ को जल्दी हासिल कर लेना। जब हमारी शुरुआत हुई उस ज़माने में ऐसा नहीं था, हम लोग एक एक पैसेज को, एक एक लाइन के ऊपर काम करते थे, डिस्कशंस होते थे और वक्त लगता था उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई थिएटर प्ले कर रहे हैं उसके अंदर कोई पैसेज है तो उसकी रिहर्सल्स होती थी और उस बीच में जैसे आपने तलफ़ुज़ की बात की तो डायरेक्टर हमेशा करेक्शन किया करता था।
अब वो तेज़ी की वजह से, वो वक्त की कमी है, अपनी मजबूरियां हैं कि एक दिन में एक एपिसोड कंप्लीट ही करना है। जब हम लोग करते थे तो 3 दिन में एक एपिसोड कंप्लीट होता था बुनियाद और हम लोग के ज़माने में। उसमें डिस्कशंस होते थे तो ज़बान काफ़ी हद तक संभल जाया करती थी, क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे हैं, हम मैं और आप बैठे हुए हैं, ये मेरा कुछ गलत हुआ तो आपने कहा ये ऐसे नहीं ऐसे, आपका कुछ गलत हुआ तो मैंने उसे टोक दिया। उसके बाद ये भी होता था कि फाइन नुआंसेस कैसे ढूंढे जाएं, कहाँ पर पॉज लिया जाए, ये यहाँ पर इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देने से वज़न कितना बढ़ जाता है, ज़रा से पीछे अगर कीजिए तो उसका वो नहीं रहता है। तो इन बातों पर इतने महीन काम होते थे जो अब थोड़ा सा मिस हो रहे हैं आजकल। तो ज़हीर साहब, हम आपसे यहाँ ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप पैदा कहाँ हुए, आपकी शुरुआती ज़िंदगी कैसी है? बड़ा लंबा सफ़र है। ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुआ, जहाँ पर एक्टिंग का कोई तसव्वुर ही नहीं था। बाराबंकी ज़िले में एक मकाम असंदरा है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। जाए पैदाइश वही है मेरी। काफ़ी ज़मीनें थीं, अल्लाह का शुक्र है आज भी उतनी तो नहीं लेकिन काफ़ी कम बची हुई हैं। उसका एजुकेशन के लिए मैं, प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी नैनीताल में हुई थी, मैं अपने मामू के साथ में था। वहाँ के बाद फिर मैं लखनऊ में, मैंने इंजीनियरिंग भी वहीं से किया, अपनी पूरी पढ़ाई भी वहीं से की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं मोहन मैकिन्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली के बॉर्डर पर मोहन नगर, वहाँ पर मैंने एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया। अच्छा, कॉलेज डेज में कुछ शौक़ था मुझे एक्टिंग का, तो जो वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ एनुअल फंक्शंस में हुआ करती थी उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। हाँ, एक वाक़या याद आ गया। मेरे इंजीनियरिंग का सेकंड या फाइनल ईयर में का फंक्शन था, तो उसमें मैंने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया था। तो इत्तेफाक से उस ज़माने में, पता नहीं अब है कि नहीं, कौमी आवाज़ एक पेपर आया करता था, तो उसमें पीछे वाले पेज पे एक ज़रा से इतना पैराग्राफ उसमें वो मेंशन था कि वहाँ पर कॉलेज में ये फंक्शन हुआ, उसमें इन लोगों ने हिस्सा लिया और एस एम ज़हीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, समथिंग मतलब ऐसा था। तो सुबह वो दौर था बचपने का कि अखबार में नाम आया, बड़ी खुशी हुई थी, पढ़ा मैंने सुबह सुबह, किसी ने फ़ोन नहीं, किसी ने बताया कि तुम्हारा नाम आया है। और सुबह अचानक देखा मैंने कि वालिद साहब बैठे हुए पेपर पढ़ रहे हैं और वही पेज खुला हुआ है। तो अचानक आवाज़ आई, ज़हीर। मैं गया वहाँ पर। अच्छा, हम ऐसे बात नहीं कर सकते थे अपने वालिद से, नज़रें झुकी। जी, कल आपके स्कूल में, कॉलेज को भी स्कूल ही कहते थे, कल आपके स्कूल में सालाना जलसा था। जी, आपने भी हिस्सा लिया था। जी हाँ, आपका नाम आया है। अब मुझे ये उम्मीद थी कि कोई अच्छा सा एप्रिसिएशन का वर्ड आएगा, मतलब उनको अच्छा लगेगा। तो उनका अगला सेंटेंस था कि आइंदा से ये नौटंकी आप लखनऊ के बाहर कीजिएगा। ये मेरी पहली तारीफ थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी इस एक्टिविटीज़ का कोई मेरी एजुकेशन पर, मेरे मार्क्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने न कभी तारीफ़ की न कभी टोका। तो यहाँ हम अपने देखने वालों को ये बता दें, ये याद दिला दें कि ये बातचीत एस एम ज़हीर साहब के साथ उनके घर में हो रही है, जो घर में एक परिवार का भी एक हिस्सा रहता है, और बीच बीच में उनके पोते की खेलने की, बोलने की, रोने की आवाज़ें भी इस बातचीत का हिस्सा रहेंगी, क्योंकि ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सभी हमारे काम का हिस्सा है। इसलिए भी हम शो को स्टूडियो से बाहर लाकर घर में अब गेस्ट के कंफर्ट के हिसाब से और एक घर जैसी बातचीत हो पाए, ये हमारी कोशिश रहती है। तो ज़हीर साहब,
हम लोग ये बात कर रहे थे, आपने अपने वालिद को याद करते हुए ये याद किया कि उन्होंने अखबार में आपका नाम पढ़ने के बाद ये कहा कि आइंदा से ये नौटंकी लखनऊ के जी। उसके बाद फिर मैंने मोहन नगर मोहन मकेन जब ज्वाइन किया तो वहाँ के ऊपर काफ़ी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ रहती थी। अपना उनका ऑडिटोरियम था, पिक्चर हॉल था, साल में एक दो ड्रामा भी हुआ करते थे, तो मैंने उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। बड़ी तारीफ़ें हुई, साल में एक दो ड्रामा होते थे। फिर एक बार दो तीन साल के बाद ये ख़्याल आया कि वही ऑडियंस होती है, वही लोग होते हैं, और ज़हीर साहब वाह वाह हो जाती, तो ज़रा बाहर निकल के देखें कहीं मतलब कि कुएं के मेंढक हैं या कुछ और भी है। तो दिल्ली में प्लेज़ वगैरह देखता रहा। तो एक राजेंद्र नाथ जी, उनका एक अभियान ग्रुप था, बहुत था क्या मतलब है अभी भी, उनका एक प्ले देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी तरह से उनसे मुलाकात की तो उनको महसूस हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत पुराना प्ले लिसिस्रेटा, वो एक भोपाल में एक फंक्शन मतलब वो थिएटर ग्रुप की तरफ से थे, वो हुआ था एकेडमी की तरफ से, तो उसमें सब इनवाइट किए गए थे कि वर्ल्ड क्लासिक्स। तो हमारे डायरेक्टर को जो दिया गया था वो एक एरिस्टोफेनीस का प्ले है लेसिसरेटा, वो ईसा अलैहिस्सलाम के से भी 500 साल पहले लिखा गया था, बिफोर क्राइस्ट। तो उसमें मतलब वो लेडीज़ ओरिएंटेड प्ले था जिसमें सिर्फ एक ही मेल कैरेक्टर था, उसमें वो कैरेक्टर मैंने किया। तो न्यूज़पेपर में आया, थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कुछ अराइवल तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लाइनों में एक्टिंग का थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिला। ठीक है, ख़त्म हो गया। उसके बाद 6-8 महीने के बाद में मेरे डायरेक्टर राजेंद्र नाथ जी का फ़ोन आया कि ज़हीर आके मिलो मुझसे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट मेरे सामने रख दिया, कहने इसको पढ़ो और बहुत ईमानदारी से मुझे बताना कि तुम इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और 14वें दिन जिस दिन बात हो रही उसके एग्जैक्टली 2 हफ्ते के बाद वो प्ले होना था। उनको साहित्य अकेडमी की तरफ से अवार्ड मिला था और ये कहा गया था कि ये प्ले करो। वो प्ले उस ग्रुप से हो चुका था और उसमें ओमपुरी ने वो रोल किया था। ओमपुरी को पहले कांटेक्ट किया था उन्होंने, लेकिन वो शायद श्याम बेनेगल जी के साथ में किसी फिल्म में बिजी थे तो वो नहीं आ सके। तो मेरी तरफ वो स्क्रिप्ट दी गई, मैंने घर ले गया, पढ़ा उसको, एक बार पढ़ा बहुत अच्छा लगा, दोबारा फिर पढ़ा। उसका ये इंतज़ार करता रहा कि सुबह हो जाए जल्दी से। मैंने उनको फ़ोन किया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, आ जाइए। वहाँ पहुँचे तो एक और बड़ा धचका दिया गया उसको कि एक तो अब 13 दिन रह गए हैं, 13वें दिन पे करना है, और पूरा स्क्रिप्ट जो है उस एक आदमी पे डिपेंड करता है। उद्ध्वस्त धर्मशाला नाम था उस प्ले का। डराया यह गया कि इसको ओरिजिनल मराठी में डॉक्टर लागू ने किया है और यहाँ पर ओमपुरी ने किया है, और यह भी एक दहशत हो गई। बहरहाल मैंने चैलेंज को कबूल किया और हुआ, और बहुत बहुत अप्रिशिएट हुआ वो प्ले। कंपैरिजन भी हुआ कि उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये समझा, ये कही, एक लेवल मिला वहाँ पर। एंड दैट वॉज द अराइवल। वहाँ से मतलब मेरी बाकायदा दिल्ली थिएटर के अंदर पहचान हुई। उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा। जात थी, पूछो साधु की प्ले आया, वो एक दिल्ली थिएटर में एक लैंडमार्क बन गया। उसमें किसी पेपर में, नेशनल डेलीज में से किसी, टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी पेपर में आया था कि स्टार इज़ बॉर्न।
प्लेस के लिए मतलब थिएटर में स्टार स्टार नहीं होते हैं, बहुत अच्छा लगा। बहरहाल वो चलता रहा। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मतलब मैंने जो नहीं सोचा था वो सामने आता गया। जाति पूछो को साधु की, उसको देखने के लिए टीवी वाले आए, उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे इनवाइट किया उन्होंने। देवेंद्र गोस्वामी हुआ करते थे एक डायरेक्टर, उन्होंने एक प्ले न्यायाधीश नाम था उसका, मुझे याद है अभी तक की, तो वो कहा कि इसमें मेन कैरेक्टर आप करेंगे। वह बहुत खूबसूरत कहानी थी उसकी कि एक जज रिटायर हुआ है, उसके बाद उसने प्रैक्टिस शुरू की है और उसके एक अपील के लिए उसके पास एक लेडी आई है जो नादिरा बब्बर ने रोल किया था, और वो फैसला मैंने दिया है उनके अगेंस्ट, और वो मुझे ही करने के वास्ते आई हैं। वो बहुत उम्दा कहानी थी वो। बहरहाल वो प्ले हुआ, पहला ही प्ले था और 2 घंटे का प्ले था, 2 दिन में। मंगल के दिन प्लेज आया करते थे लेकिन दो उसकी कंटिन्यूटी की वजह से वो पहला प्ले था जो मंगल और बुध 2 दिन में कंटिन्यूटी ना टूटे उसकी। वो हुआ, वो भी मतलब इंटरनेशनल फेस्टिवल में चला गया। उस ज़माने तक की रीजनल टीवी था कि दिल्ली का दिल्ली में देखे, बॉम्बे का बॉम्बे, लखनऊ का लखनऊ, मतलब इतनी रीच नहीं थी। फिर एक सीरियल आया हम लोग, अगर आपको याद हो, पहला बड़ा सीरियल था जो नेशनल हुकअप पर गया, तो बॉम्बे हर जगह देखा गया। बॉम्बे में रमेश सिप्पी जी ने देखा, मतलब देखा होगा वो कैरेक्टर मेरा देखा, तो उन्होंने मुझे हम बुनियाद के लिए बुलाया। यहाँ से मेरा दिल्ली और बॉम्बे का सफ़र शुरू हुआ। जॉब भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इंजीनियर इंचार्ज था वहाँ के ऊपर, लेकिन मेरा मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छा था। मैनेजर मेरे कोलीग सब इस बात को इनकरेज करते थे, तो मुझे थिएटर करने में और टीवी करने में कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन जब दिल्ली बॉम्बे का सफ़र शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक बार मैंने कहा भी कि मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर थे कपिल मोहन, ब्रिगेडियर कपिल मोहन, तो उन्होंने बुलाया, कहने लगे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और सबसे बड़ी बात यह कि तुम अपना प्लांट भी देख रहे हो उसी तरह से, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है, तो तुम रुकावट ना महसूस करो, तुम करते रहो। तो उस तरफ से इत्मीनान हो गया। अच्छा, पहले यह हुआ करता था कि वीकली प्रोग्राम हुआ करते थे, तो 4 प्रोग्राम जो है वो चार एपिसोड जो है 10 दिन में 12 दिन में हो जाया करते थे, तो एक साथ शूट होते थे। तो उन लोगों को मालूम था यहाँ बॉम्बे वालों को कि मैं जॉब में हूँ, तो इसलिए ऐसा करते थे कि मेरा ये नहीं कि एक दिन काम किया, 2 दिन बैठे हुए, फिर 3रे दिन का मेरा कंडेंस कर लेते थे वो काम, तो 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाया करता था। फिर उसके बाद वहाँ से फिल्म वालों ने देख लिया, वहाँ शुरू हो गया। तो ये हादसात मेरे साथ होते गए। श्याम बेनेगल जी ने बुलाया, उसके बाद बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया। गुलजार साहब के साथ काम किया मैंने, यश चोपड़ा जी ने, एक 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 सीरियल था ज़मीन आसमान जिसमें कुलभूषण जी और मैं और तन्वी आज़मी, ये 3 मेन कैरेक्टर थे उनके बीच की कहानी थी। तो राइटर्स भी उस ज़माने में ऐसे होते थे कि 35-36 एपिसोड का 39 एपिसोड्स की वो कहानी थी,
और मनोहर श्याम जोशी जी लिख रहे थे उसको। 35 या 36 पे उन्होंने कहा कि अब हम नहीं लिखेंगे, हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। तो उन्होंने कहा कि 2-3 एपिसोड और लिख दीजिए। मतलब इतना वो लोग हुआ करते थे, आपकी तरह फैलना नहीं है कि चलो ये चल रहा है ट्रैक तो चलाते रहो चलाते। ही स्टॉप्ड राइटिंग, तो किसी दूसरे से लिखवा के उन्होंने वो प्लस 13 और वो हुए। तो मैं ये जिक्र इसलिए किया कि हर चीज़ में इतने प्रिसाइज वर्क हुआ करता था वो। अच्छा, जब हम लोग रिहर्सल करते थे एक एपिसोड पे, तो उसमें राइटर भी होता था उस वक्त, डायरेक्टर भी होता था, एक्टर भी होता था। एक्टर का कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो वो अपना कह सकता था, डायरेक्टर चाह रहा है ऐसे, राइटर की फीलिंग कुछ और है, मैंने कुछ और कहा, तो वो बात करके कि मैं ये चाहता हूँ वहाँ पर, तुम ये दो। तो डिमांड होती थी एक्टिंग की कि वो जो हम चाह रहे हैं वो निकाल के दीजिए आप। रमेश जी के साथ में बहुत ही मज़ा आया काम करने में। गुलजार साहब के साथ एक शाइस्तगी थी। श्याम बेनेगल जी तो मतलब वो तो फ्री छोड़ देते थे कि हाँ ये है ये करो, और उनको जब कॉन्फिडेंस हो जाता था कि एक्टर के ऊपर कि हाँ ये कैन डिलीवर, तो फिर वो टोकाटाकी उनकी नहीं थी, बोलिए आप प्ले कीजिए। बस ये सफ़र है मेरा। उसके बाद ये हुआ कि जब देखा कि काम ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तो एक मिनट ये ख्याल आया कि हॉबी या नौकरी, तो दोनों को वज़न किया तो ऐसा लगा कि हॉबी जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मैंने 8-10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। फिर यहाँ वालों को ये अच्छा, वो हमको जहाज़ का किराया देते थे आने जाने का। तो लास्ट डेज में तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कुछ खलने लगा है, तो मैंने ये आके कह दिया कि मैं रिटायरमेंट ले लिया है और मैं बॉम्बे आ गया हूँ। ये थोड़ा सा झूठ बोला था, मैं रह वहीं रहा था गाज़ियाबाद में। तो मगर ये था कि वो जिस दिन भी कहें, 2 घंटे का सफ़र हुआ करता था। फिर वो काम की भरमार हो गई। उस ज़माने में 4 चैनल थे, 3-4 चैनल के अंदर मतलब हर चैनल पे मेरा एक कोई ना कोई सीरियल चलता था। वहाँ तक ये सफ़र तो एक रहा। उसके बाद दौर आ गया वीकली से डेली का। यहाँ थोड़ा सा डगमगा गया मामला कि वो फाइननेस, वो बारीकियाँ जिन पर हम लोग काम करते थे वो नहीं है। फिर ये हो गया कि एक दिन में एक एपिसोड देना है तो बोल दो। फिर बहुत से एक्टर पैदा हो गए कि जो भी लाइन बोल दे वो एक्टर हो गया। अब बहरहाल उसमें भी ढल गए हैं हालात के हिसाब से, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपने रोल्स के बारे में हमेशा चूज़ी रहा काफ़ी कि इस रोल को जस्टिफाई कर सकता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, वो किया। और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने पसंद किया, आज भी पसंद करते हैं, कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे मालूम नहीं, लोग तारीफ़ करते हैं कि एक्टिंग के मामले में 1-2-3 चीज़ें बहुत बारीक होती हैं। एक तो एफर्टलेस होना चाहिए, मतलब आपके बोलने में ये ना लगे कि आप इसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट दिखाई दे रहा है, तो वो बहुत ऐड करता है। दूसरे, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स की जो आप बोल रहे हैं, अगर जल्दी बोलना है तब भी आपके लफ्ज अल्फाज जो हैं वो मरने नहीं चाहिए, बीच में कुछ मिस हो जाए। इसका फ़ायदा मुझे थिएटर की वजह से हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, उसका एक बात था ना, मैं भूल गया था, दूरदर्शन का जब वो शुरुआत हुई, मेरा पहला प्ले जब हुआ था तो मुझे ए ग्रेड दिया गया था, A+। और मैं उस वक्त का दिल्ली का पहला आर्टिस्ट था जिसको डायरेक्टली A+ ग्रेड दिया गया था। बहुत भारी फीस होती थी उस ज़माने में, 14 दिन की रिहर्सल होती थी, 3 दिन में प्ले होता था,
और उसके बाद 250 रुपये का चेक मिलता था। मगर एक डेडिकेशन था, जुनून था, किया और उसका फल आज भी मिल रहा है मुझे। अब बताइए, एक प्ले, एक घंटे का प्ले, 14 दिन उसके लिए, 2 हफ्ते उसके रिहर्सल, और 3 दिनों में 3 कैमरे से वो रिकॉर्ड होता था। मैंने अभी आपसे जब वैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, बताया आपको कि एडिटिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी उस वक्त। तो अब अगर एक 15 मिनट का एक मोनोलॉग है या सीन है 4-5 एक्टरों में, तो 19वें या 20वें मिनट के आखिरी लम्हे पे अगर ज़रा सा फंबल हो गया या कोई गलत बोल गया या कुछ, कट, फिर शुरू से करो 20 मिनट। तो वो उस वक्त हर आर्टिस्ट डरा रहता था, जैसा जैसा गुजरता जाता था, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, तो उसको डांट पड़ती थी। तो ये तो मैं पीछे चला गया, अभी यहाँ तक की फिल्मों तक की आ गया हूँ। आगे फरमाएं आप। नहीं, अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में अगर आप याद करें, कौन सा ऐसा रोल आपको बहुत लगता है कि हाँ, बहुत उसको करके मज़ा आया और बहुत याद भी रह गया? पिछले साल भर से तो कहिए कि ये पैंडमिक वगैरह का ही सिलसिला है, लेकिन हाल के बरसों में आपको कोई यादगार काम, ऐसा चैलेंजिंग काम? अभी बहुत छोटा सा रोल था इनकी, नीरज पांडे जी की, जिन्होंने वेडनेसडे वगैरह बनाया, बहुत अच्छे बड़े डायरेक्टर, उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई थी, स्पेशल ऑप्स, तो छोटा ही रोल है मेरा, लेकिन उसके करने में बहुत मज़ा आया था मुझे। और बाकी ईमानदारी की बात आपको बताऊं तो टीवी में, आज के टीवी में कोई ऐसा रोल जिसके बारे में हम बता सकें कि बहुत अच्छा था या बहुत बड़ा था, रूटीन वाला हो गया। अच्छा, हाँ, मैं इसी पे आ रहा था कि देखिए, क्योंकि आपने तो कई तरह के एनवायरनमेंट में काम किया, मतलब थिएटर से लेकर टेलीविज़न के वो दिन जबकि 3 कैमरा लगाकर एक कंटिन्यूस शूटिंग और उससे पहले रिहर्सल्स, बहुत डिटेलिंग पे काम होता था। फिर आप फिल्मों में आए, इसके साथ साथ टीवी सीरीज़ भी जो फिल्म फॉर्मेट पर कभी कभी शूट हुआ करती थी, भारत एक खोज का अगर आप नाम लें, तो फाइनल आउटपुट या उसका जो टेलीकास्ट प्लेटफॉर्म है वो टेलीविज़न भले रहा हो, लेकिन वो फिल्म के पूरे डिटेलिंग के साथ उसमें काम होता था, फिर श्याम बेनेगल जैसे लोग। फिर उसके बाद ये जो वीकली शोज़ हुए, फिर उसके बाद डेली सोप हुए, और अभी वेब सीरीज़, मतलब इतनी तरह के बदलते हुए एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो आपके ही तजुर्बे से ये जानना दिलचस्प होगा कि ये जो बदलता हुआ माहौल है उसमें एक एक्टर के लिए ग्रो कर पाना, सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाना और अपना बेस्ट दे पाना कितना कैसा है तजुर्बा? देखिए, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हम लोगों को 3 स्टेजेस एक्टिंग में होती हैं। एक डायलॉग होता है, डायलॉग पढ़ा, दूसरा डायलॉग बोला, और तीसरा उस लाइन को, उस डायलॉग को जिया। तो हम लोगों की ट्रेनिंग जो थी वो जीने वाली थी। तो मैं आज भी, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ढूंढता हूँ। अभी क्या बात करते हैं आप? ढूंढते हैं कि इसको, इस पर्टिकुलर लाइन को कैसे बोलें, 4 तरह से बोल के। अच्छा, हम लोगों की एक ट्रेनिंग थी कि अपने ही कंप्यूटराइज है, मुंह से बोला, कान से सुना, दिमाग से डिसाइड किया कि सही है कि नहीं, दूसरी तरह से, तीसरी तरह से, तो उसमें जो अच्छा लगा उसको फाइनल किया। तो मैं तो आज भी अपना कैरेक्टर, छोटा हो या बड़ा हो, उसको तो मैं अपने वही पुराने स्कूल के हिसाब से करता हूँ, और इसीलिए मैं जो ग्रीन रूम होता है मेरा, मैं शेयर नहीं करता हूँ कि जाने से पहले मैं पूरे तैयार हो के जाता हूँ, लाइन बोलने के लिए नहीं, लाइन जीने के लिए। शायद वही फ़ायदा है मुझको कि मेरे आज भी पुराने कैरेक्टर्स, पुराने रोल आज भी याद किए जाते हैं,
आज की तारीख का कोई जिक्र नहीं करता जो आज कर रहा हूँ, आज से 15 साल पहले आपने वो किया था, बहुत अच्छा था। अब खाली हाथ में आपका वो करेक्टर, पर्टिकुलर सीन्स याद हैं आपको, उन लोगों को, कि आपने उस सीन में बड़ा वो किया था। मिसाल के तौर पर श्याम बेनेगल जी के साथ में फिल्म कर रहा था मैं, और श्याम बेनेगल जी वाली बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग यही बात कर रहे थे कि मुंबई में घरों में ये बहुत आम है। अब जो कितनी खूबसूरत आवाज़ें बाहर से चिड़ियों की आ रही थी थोड़ी देर पहले, कबूतर की, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन या ऐसी आवाज़ें भी, तो हम अपने देखने वालों को फिर से ये उनसे माजरत तो क्या, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम चूँकि हम स्टूडियो में नहीं, इसलिए बहुत कंट्रोल्ड ऑडियो हो सकता है आप तक ना पहुँचे, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, तो बियर विद अस। जी, आप कह रहे थे तो कुदरत के साथ है वो, तो बाहर की आवाज़ें और ये वो सब जो हम लोग घर में बैठे हुए घर की तरह बात कर रहे हैं, बिल्कुल तो होगा होगा। जी जी हाँ, तो आप कह रहे थे श्याम बेनेगल की बात। हाँ, श्याम बेनेगल जी के साथ में फिल्म किया मैंने सरदारी बेगम, उसमें अमरीश पुरी के साथ में मेरा एक सीन था जिसमें मुझे उनको डांटना था, बड़ा अच्छे अच्छी लाइन्स थी, पता है याद नहीं मैंने किया। उसके बाद दोनों का कट खुद मेरे पास आए, मैं ऐसे खड़ा हुआ था, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, एक और दूसरा लिया, दूसरा भी अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ लाइन बोली, खुद ही आए मेरे पास कहने के कि अभी भी मज़ा नहीं आया ना, उनके समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूँ तो, कहने क्यों मज़ा नहीं आ रहा, उनको मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहने तुम डोमिनेट कर रहे हो अमरीश को, तुम आई कांटेक्ट लूज कर रहे हो, अगर तुम डांटोगे तो ऐसे करके नहीं डांटोगे, आंखों में आंखें डाल के, तो आइस का इस्तेमाल, मतलब ये वही लोग बता सकते हैं। मैंने वो लाइन बोली, बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ अब इसकी ऐसी तैसी मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें इन लोगों के साथ बहुत सीखने को मिली, बहुत ज़्यादा सीखने को मिली। गुलदार साहब के साथ काम किया, उसमें फिल्म थी माचिस, दो सीन तीन सीन का रोल था मेरा, उसमें एक कोई गांव का मैं इंक्वायरी करने के जाता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, आ गया वो सीन किया। तो वो गुलजार साहब अपने आर्टिस्ट को बहुत पैम्पर करते हैं, अरे क्या बात है, गले लगाया और बैठ के चाय पीते हैं, उसके बाद अगला चाय, बड़ा जहीर बहुत अच्छा ये वगैरह वगैरह, चाय मंगाई, चाय पिए, उसका चाय के बीच में उन्होंने कहा कि जहीर साहब मैं जब वहाँ था पाकिस्तान में पंजाब में, तो ऐसी एक सिचुएशन आई थी, उसको जो इंक्वायरी करने के वास्ते आए थे उन्होंने ऐसा बोला था, सुन लिया खड़े, अब देखिए बताने का तरीका देखिए, खड़े हुए जैसे सब इस तरह से करके देखे, आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एक चांस और मिला, मैं जैसा उन्होंने वो किया था वो बताया, किया मैंने, करने के बाद मुझे एहसास हुआ जहीर तुमने तो बेवकूफ़ी किया था, इसको ऐसे ही होना चाहिए था। अब पता नहीं उन्होंने वो कहानी उसी वक्त गढ़ी थी या क्या, लेकिन बजाय इसके कि नहीं ये ठीक नहीं ऐसे करो, ये करने के बजाय उनका ये तरीका था, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले। तो जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, जहीर साहब के एक्टिंग सिखाने की चीज़ नहीं है, वो आपके अंदर होती है, बस ये है कि उसको आपको थोड़ा नर्चर करना होता है, निखारना पड़ता है। तो आपसे ही जानना चाहता हूँ ये मैं कि जैसे आपने कहा कि ग्रीन रूम आप अपना अलग रखते हैं, थोड़ी देर बाद आप लाइनों को जीने में यकीन रखते हैं। अब एक सिचुएशन है, मान लीजिए, मैं थोड़ा समझने के लिए समझना चाहता हूँ कि आपको एक ऑडिशन अपना करके भेजना है किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, लाइन सिर्फ सिचुएशन ये है कि एक सबऑर्डिनेट अपने बॉस के कमरे में दरवाज़ा पुश करके, नॉक नॉक करके अंदर आता है और वो बोलता है कि उसको क्रिसमस की 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। अच्छा, वो बहुत छुट्टी पहले लेता रहता है, लाइन सिर्फ इतनी है कि उसे, सर मुझे क्रिसमस के लिए 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, यही आपका कैरेक्टर है मान लीजिए।
इसमें आप क्या तरीका अपनाएंगे जिससे कि वो लाइनें जीने लायक और आप कहेंगे कि हाँ ये हमारा तरीका है? अब देखिए, यही बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने पूछी है। दो तीन मूड हो सकते हैं इसके अंदर। डांटा उसको, तंज किया या हंसी में ले लिया। अरे भाई कितनी छुट्टी लेते हो तुम, थोड़ा ख्याल करो, काम की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। एक, क्या हुआ हमेशा छुट्टी ही लेते रहते हो तुम? छुट्टी लेना है तो काम छोड़ो, यहाँ से जाओ। एक और हो गया, अरे भाई तुम बहुत छुट्टियाँ लेते हो, बहुत छुट्टियाँ लेते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, काम की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं जाओ। ये वेरिएशन, अब यही वो बोल के और ये इसमें कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर क्या मूड जाता है, कैसा है, अपने जो कैरेक्टर पीछे से करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए, बस ये पुराना स्कूल है। तो ये पुराना स्कूल के स्टूडेंट होते हुए आपने तो लखनऊ के उस कॉलेज में ही अपने अंदर की इस जिसे कहते हैं इस टैलेंट या इस पॉसिबिलिटी को तलाशा होगा, पहचाना होगा, लखनऊ में ही पहचाना होगा मेरा ख्याल है। या उससे पहले भी आपको लगता था कि आपके अंदर इम्पर्सोनेट करने का, दूसरा आदमी बनने का कोई एक वो था? एक ललक हुआ करती थी, झलक नहीं, ललक हुआ करती थी कि मेरी पहचान बने, 10 आदमियों में मैं पहचाना जाऊं। तो एक्टिंग के बाद जब कोई ये कह देता था अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो एक बड़ी खुशी सी मिलती थी। तो उसकी आदत सी बनती गई, फिर बहुत पहचानते चले गए, फिर पहचान को कायम रखने के लिए और मेहनत किया, फिर ये कि धूमिल ना होने पाए ये पहचान। तो आज भी मैं अपना कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा आपको कि छोटा हो या बड़ा हो, अपनी तरफ से पूरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि ये वही बिल्कुल एफर्टलेस हो। मैं एफर्टलेसनेस की एक बात आपको बताऊँ, एक प्ले की याद आ गई है, ताम्रपत्र नाम था उस प्ले का, देवाशीष मजूमदार कैलकाटा के, उन्होंने लिखा था, उसका हिंदी एडेप्टेशन था। तो उसमें एक बुक बाइंडर का रोल कर रहा था मैं, तो बीवी से बात कर रहा है, किताब जोड़ रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो जब उनसे बात करूं तो हाथ रुक जाता था, और जब काम करूं तो उनकी बात सुनता था। तो एक दिन मैं अपने बच्चों के पास बिटिया के, मैंने किताब उसकी फटी हुई थी दो तीन, मैंने कहा लाओ मैं इसकी बाइंडिंग करा देता हूँ। गाज़ियाबाद में गया बुक बाइंडर की दुकान पर, मैंने कहा भैया इसको बना दो। तो उसने ठीक है, एक घंटे बाद आ जाइए आप। मैंने कहा नहीं मैं कहीं और नहीं जाना, मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए। अब उसने मेरा किताब लेके शुरू किया और मैं जानबूझ के उससे बातें कर रहा हूँ, उसका यह हाँ ये हुआ था ऐसा तो है और ये वो उसका हाथ चल रहा है मुँह मेरी तरफ। इसको रिहर्स किया कि मैंने घर के ऊपर, और ये एफर्टलेसनेस जो वो उसमें दिख रहा है, तो कोशिश दिख रही थी कि इधर कर रहा है उधर बात कर रहा है, वो जो एफर्टलेसनेस थी वो ढूंढी जाती है। कहते हैं कि एफर्टलेस परफॉर्मेंस करो, लेकिन एफर्टलेस परफॉर्मेंस बनाने में बहुत एफर्ट करना पड़ता है। एफर्टलेस बनाने में बहुत एफर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो दिखता है कि नहीं ये एक्टिंग नहीं हो रही है, रियल है। एक्चुअली जिंदगी और एक्टिंग दो अलग अलग चीज़ें। आप ज़रा से भी इधर उधर की बात है, क्या नौटंकी कर रहे हो, मतलब जिंदगी नहीं हो, ये नौटंकी है, ये ड्रामा है और ये जिंदगी है। अब अच्छे एक्टर का काम यह है कि इस फासले को जितना, एक तो नहीं हो सकते लेकिन जितना नज़दीक ले आओ जिंदगी के उतना नज़दीक हो जाएगा। तो वो फासला को कम करने की कोशिश होती है, वही एफर्टलेसनेस होती है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है।
अब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या कोई आम जैसी बात होती है वैसी होती है? बस इसी चीज़ को उधर एक्टिंग में कन्वर्ट करके ज़रा सा इन्हेंस करना पड़ता है थोड़ा सा कि ऑडियंस के लिए है, तो बस थोड़ा सा उसमें जोड़ना पड़ता है। आपने कहा कि एफर्टलेस एक्टिंग, और ये मंत्र जाहिर है कि इस सफ़र में कहीं शुरुआती बरसों में ही किसी ने दिया होगा, कोई ट्रेनर, कोई डायरेक्टर, कोई गुरु, कोई मोटिवेटर। याद कीजिए कि ये एफर्टलेस एक्टिंग की बात किसने कही होगी और वो बात आपको जची होगी और उसको आपने फिर एक मंत्रा की तरह। बहुत बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे वही डायरेक्टर राजेंद्र नाथ जी, और वो एसोसिएट डायरेक्टर थी सांत्वना निगम। एक एक ज़रा ज़रा सी बात पकड़ लेती थी, महीन से महीन बात कर रहे हो। मिसाल के तौर पर एक दो 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 वर्ड बोलने आपको, तुम वहाँ जाओगे। ये नुआंसेस उन्होंने बताए कि किस वर्ड पे तुम पे जोर स्ट्रेस करोगे, तुम वहाँ जाओगे, ऑर्डर होगा तुम वहाँ जाओगे, तुम और जाओगे। इधर पे स्ट्रेस देखिए क्या फ़र्क पड़ गया, उधर देखिए क्या पड़ गया। तो ये ईमानदारी की बात है, मैंने सब कुछ थिएटर में सीखा और उस ग्रुप के साथ सीखा। उसका फ़ायदा मतलब बोया तब तक काट अब रहा हूँ। फिर उसके बाद जब से फिल्मों में आपको का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिल्मों में तो उससे पहले बड़े बड़े गुरु लोग हुए, जब से फिल्में अपने आप बनना शुरू हुई और फिर दुनिया भर की फिल्मों पर नज़र गई, क्योंकि आप एक जिस प्रोफेशन को कर रहे होते हैं उसमें आप अपने प्रेडिसेसर्स पर भी नज़र डालते हैं कि इस काम को उसने कैसे किया होगा। शेक्सपियर के किसी प्ले में अगर या किसी फिल्म में आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मिले तो आप सोचते हैं कि कहीं हॉलीवुड में किसने उसे कैसा किया। तो इतने तरह के कामों को और अपने प्रेडिसेसर्स को देखते हुए किससे आपको लगता था कि ये वाला काम मुझे भी एक दिन करना है, ऐसा कर दूं तो ज़िंदगी मतलब कामयाब हो जाए? उस शख्सियत का नाम पूछ रहे हैं? मतलब तमाम जो एक्टर्स हैं उनमें से। देखिए मैं मुतासिर तो बहुतों से रहा, लेकिन मैंने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की। और ईमानदारी की बात यह है कि मैं देख देख के ही सीखा, और एक एक ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। मिसाल के तौर पर एक बार दिलीप साहब ने कहा था कि देखो ज़हीर, तुम उनसे काफ़ी मेरा आना जाना था जब तक वो सेहतयाब रहे, किसी के मरने में तुम जाते हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए। किसी का इंतकाल हो गया, तुम्हारे दोस्त का डेथ हो गई है, तुम वहाँ गए, मजमा है वहाँ, उसका भाई भी रो रहा है, उसकी माँ रो रही है, सब रो रहे हैं, तुम्हारी आँखों में भी आंसू आ गए। अब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ये है कि तुम देखो कि उसका भाई रो रहा है, उसकी आंखें देखो, उसकी माँ रो रही है, उसकी आंखें देखो, उसका कोई रिश्तेदार रो रहा है, उसकी आँख देखो। हर रोने में तुमको इंटेंसिटी में फ़र्क दिखाई देगा। अब ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, जो कुछ देखा उसको अपने इस कंप्यूटर में फीड कर लो, और ये कैपेसिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि जब वक्त पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सको। तो बहुत कुछ तो देख के ही मैंने सीखा है, और यही जज्बा हमेशा रहा है। मुतासिर मैं दिलीप साहब से ज़रूर रहा, लेजेंडरी यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग शहनशाह, इसमें तो कोई वही नहीं। इंडस्ट्री में कोई ही शायद ऐसा एक्टर हो जिसने उसकी नकल ना की हो, बड़े बड़ों ने किया है। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो एक असर ये कि मेथड एक्टिंग का, कि आप कुछ कर रहे हैं तो ये सर उसको 10 मरतबा करके सांस फूलने की एक्टिंग है तो ऐसे ही ना करने लगो, थोड़ा सा उछल कूद लो, उसके बाद वो शॉट दो। तो ये सब कुछ देख देख के ही मतलब कभी
कमल हसन बहुत अच्छे लगे, कभी नसीर साहब बहुत अच्छे लगे, कभी दिलीप साहब अच्छे लगे, तो एक मिक्सचर है सबकी, नकल नहीं है इसमें। मुझे याद आता है, चूँकि दिलीप साहब की बात आई तो दिलीप साहब के बारे में कहते हुए महेश भट्ट ने कहीं एक किसी टेलीविज़न पैनल डिस्कशन में ये बात कही कि उनके बोलने में एक मेमोरी का एक रिकॉल रहता है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जो डायलॉग आप इस वक्त बोल रहे हैं उसमें पुरानी मेमोरीज़ भी, इसको आप कैसे, जब आप इसको इसके फंक्शनल और डिलीवरी वाले पार्ट पर जाते हैं, क्योंकि ख़ुद भी आपने अभी कहा कि वो जो बॉस है वो अपने अपने करेक्टर की कॉन्टीन्यूटी में उस बात को बोलेगा, लेकिन दिलीप साहब के बारे में ये बात ख़ास तौर पर महेश भट्ट ने कही कि उनके एक बोलने में कई यादें शामिल हैं, इसको ज़रा आप समझाइए अगर आपको ये बात। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, मैंने भी ऐसा सोचा नहीं कभी। दिलीप साहब का ये था कि वो एक शॉट में कभी मुतमईन नहीं होते थे, 5-7-8 मरला था, और डायरेक्टर के लिए ये मुश्किल हो जाया करता था कि उसमें कौन सा रखे, सब एक दूसरे से अच्छे हुआ करते थे। तो अभी आपने महेश्वर जी की ये बात कही तो मुझे वाकई मैंने कभी नहीं सोचा ये, अब वो कैसे करते होंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, वो कोई वही कर सकते हैं, दिलीप साहब ही कर सकते हैं। वो जो ऑब्जर्वेशन की बात उन्होंने, उनकी बात अब याद आ रही है मुझे, मैं रिलेट कर रहा हूँ उससे, तो वो उनके दिमाग में जो रहता था वो तो करते होंगे, लेकिन हम लोग छोटे छोटे लेवल के ऊपर, जब मैंने कहा ना कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ तो रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं हम वो, मतलब दिमाग में कभी आ जाता है तो हम रिहर्स करके एक फाइनल करते हैं और वो उगलते रहते हैं, मतलब उनका झरना बना रहता है कि ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। हमारे पास गिने चुने दो तीन चार आइडिया हैं, उसमें से मैं ये करके देख लिया कि इसमें सबसे अच्छा कौन है, उनके पास अनलिमिटेड है तो ये उसी लेवल का एक्टर कर सकता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने ये, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी, मतलब रेयर है ये उनका, उनका महेश जी का ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन। जिस दिन मैं महेश जी से बात करूंगा मैं ज़रूर इस पर और उनसे थोड़ा तफसीर से जानना चाहूँगा कि वो क्या है मसला, क्योंकि वो एक एक्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, तो व्यूअर को भी ये बात उस मोमेंट में होने वाली चीज़ से अलग एक एक्सपीरियंस में पहुँच जाती है। उनको बताइए कि आपके वालिद ने जब ये कहा कि ये नौटंकी जो है अब तुम लखनऊ से बाहर ही करना, तो ज़ाहिर है आपने उनके हुक्म को सर आँखों पर रखा होगा, हिम्मत ही नहीं थी लेकिन उसके बाद फिर जो आपको शोहरत और एक पहचान मिली तो उनका क्या कहना था? अच्छा लगता था, कहा नहीं उन्होंने कभी, दूसरों से बात करते थे, बेवकूफ़ को देखो वहाँ कर रहा है लेकिन अच्छा कर रहा है। अब मैं इस आपने छेड़ी ये बात तो मैं, मतलब एक कंजर्वेटिव फैमिली थी हमारी, अम्मा मेरी बहुत रोज़े नमाज वाली और पर्दे की पाबंद, मुझे वो मकाम मिल चुका था जब दूरदर्शन ही था और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे थे, तो मैं लखनऊ से उनको दिल्ली अपने पास ला रहा था, तो लखनऊ मेल में चल रहा था। मैं अपने माँ बाप की उस सोच के बारे में बता रहा हूँ, तो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए अम्मा बैठी हैं, और जब बैठी रहती थी तो बुरका तब भी पहने रहती थी, तो 1-2-3-4 लोग आते गए, मैं खिसकता गया, बातचीत करने वाले पहचानने वाले, अम्मा बिल्कुल कोने में खिड़की के पास बैठ गए। ट्रेन चलने का वक्त आया, सब इधर उधर की बातें, आपका ये आपका वो, आप बहुत अच्छा है आपका वो बहुत अच्छा लगा किसे, इस तरह की बातें, वो लोग सब चले गए, ट्रेन चल दी। जब ट्रेन चल दी वो सब लोग उठ गए, तब अम्मा ने अपना पहलू बदला और
ऐसी सांस ली उन्होंने। मैं उनको एक चेहरे के एक एक उसको पहचानता था। मैंने क्या हुआ अम्मा? नहीं बेटा कुछ नहीं, कुछ तो अम्मा बताइए क्या बात है, इतनी ठंडी सांस लिया। कहें बेटा मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम कोई कायदे का काम कर रहे होते तो इतने लोग तुमको ना पहचानते। ये उस खानदान से निकल के मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से सानहा आते हैं, बहुत से। मैं ज़बान की भी बात हो रही थी, हालांकि अभी इधर उधर जा रही है हम लोगों की बात। जॉब ज्वाइन किया दिल्ली में पंजाबियों के बीच में, तो ज़बान पे थोड़ा सा वो असर आ गया। मैं वापस गया दो साल के बाद, घर गया तो अबू जान ने पूछा, मैं वाली साहब को अबू जान कहते थे, अबू जान ने पूछा कि अरे ज़हीर मियाँ तुमसे वो काम कहा था, आपसे वो काम कहा था, कर लिया आपने? मैंने कहा हाँ जी। उनका ऐसे बैठे हुए तो इस तरह से बोल गया माशाल्लाह माशाल्लाह, दो साल के अंदर ही आपका जी हाँ हाँ जी हो गया। तो हम लोगों की वो तरबियत हर चीज़ पे चेक कर दिया जाता था। वो अब चेक करने का अंदाज़ हुआ, जैसे ये एक अंदाज़ आपको बताया उन्होंने, तो ये भी कह सकते थे कि हाँ जी नहीं जी हाँ बोला करो, नहीं हो ये माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें अभी तक उनके एक्सप्रेशन से याद हैं, दो साल में आपका हाँ जी जी हाँ हाँ जी हो गया। तो अब देखिए दोनों में फ़र्क देखिए, जी हाँ हाँ जी हाँ जी, ऐसे मामले में डंडा मार दिया। तो ज़बान एक्चुअली बहुत कुछ खो दिया है, अल्फाज। कभी कोई नया लफ्ज़ सुनने को दिखाई देता, अरे ये तो हम इस्तेमाल करते थे, अरे हाँ ये, अब वो यादें बन गई हैं। वो ज़बान का एक फ्लो, एक लहजा, जिससे कुछ तासुरात को अपने शो करने का एक तरीक़ा, एक लोच लखनऊ की ज़बान में हुआ करती थी इसको, नज़ाकत, वो सब ख़त्म हो गई। यहाँ वाले कहते हैं कि ज़हीर साहब आपकी ज़बान बहुत उमदा है, और जब लखनऊ जाता हूँ तो मेरे कुछ जो बचे खुचे दोस्त हैं जब उनसे बातें करते हैं, अरे ज़हीर तुम्हारी ज़बान को क्या हो गया, अक्खड़ हो गए बिल्कुल। बोले इतना इतना फ़र्क हो गया। ज़हीर साहब चूँकि मैं शायद आप पहले हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हम लोग में काम किया, हम लोग एक तरह से दूरदर्शन पर आने वाला पहला एक मेगा सीरियल हुआ, तो उसके बाद फिर बहुत सारे सीरियल आए, लेकिन वो पहला एक्सपीरियंस था दूरदर्शन के व्यूअर्स के लिए जो एक इस तरह के लंबे सीरियल का लुत्फ़ उठा रहे थे। हमारे लिए याद कीजिए कि उसकी ज़्यादातर शूटिंग्स कहाँ होती थी और किन लोगों के, जिन लोगों के बीच आप काम कर रहे थे, कैसा माहौल होता था तब? मनोहर श्याम जी लिखा करते थे, वो क्या बाउंड स्क्रिप्ट आ जाया करती थी? हाँ, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट आता था, वो शायद हफ्ते में दो दिन आता था वो सीरियल, और फिर तीन दिन आने लगा था कुछ दिनों तक। ये बिल्कुल स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट नहीं आती थी, जो एपिसोड होने वो पहले से मिल जाते थे, उनकी रीडिंग होती थी। उस ज़माने तक की वही स्टाइल वही थी, तीन कैमरा और पूरा पूरा सीन एक साथ में होता था, एक लॉन्ग शॉट पे लगा हुआ, एक मिड पे, एक क्लोज पे, और वहाँ बैठे हुए नंबर 1, 3, 1, 2 ऐसा वो पैनल पे बैठ के बोलते थे, वो कैमरा जो है उसके वो बताया ना आपको कि एडिटिंग की फैसिलिटी नहीं थी। तो ये एक स्टूडियो था जो दिल्ली से थोड़ी दूर पे था, एक कौन थे ब्रह्मचारी नाम था उनका, क्या जो इंदिरा जी के ट्रेनर हुआ करते थे योगा के, उनका स्टूडियो था पहला। तो तीन कैमरा सेटअप पे होता था, हम लोग सब जहाँ पर दिल्ली में मंडी हाउस में एक जगह थी वहाँ पर बैठकर हम लोग उसको पूरा तैयार कर लेते थे, उसके बाद जाते थे वहाँ के ऊपर और वो ड्रामा की तरह शूट हो जाता था। वो बिल्कुल वही जो दूरदर्शन का तरीका था, क्योंकि डायरेक्टर भी उसके
पी कुमार वासुदेव जी थे, वो भी पहले यहीं के दूरदर्शन के रिटायर थे, तो वर्किंग स्टाइल उनकी वही थी बिल्कुल, तो वो उसी तरह से शूट हुआ। थिएटर से टीवी में जब आया तो एक थिएटर को तो हमको अपनी आवाज़ आखिरी आदमी तक पहुंचानी पड़ती है, तो थोड़ा सा लाउड होते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जैसे हम आप बात कर रहे हैं इस तरह से, तब माइक ये नहीं होते, तब वो बूम हुआ करते थे, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता था उसी तरह से बोलने का स्टाइल, तो उसमें मैंने बड़ा फ़ायदा उठाया कि मुझे ट्रांजिशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो किया सुना जाके उसको, अरे बाप रे इतना फ़र्क आ रहा है, तो जल्दी से मैंने ग्रैस्प कर लिया, लोगों को काफ़ी वक्त लगा उसमें, तो ये ऐसा था। कुछ तो चीज़ें आपको तजुर्बे से मिल जाती हैं, जैसे जैसे आप तरह तरह के काम तरह तरह के एनवायरनमेंट में करते हैं मिल जाती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि आपकी एक जैसे कहते हैं कि वो एबिलिटी जिससे आप जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, वो आप किसी के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, ख़ासतौर पर कैमरा स्टेज पर तो आप ऑलमोस्ट फ्री हैं क्योंकि आप एक लाइव परफॉर्मेंस में हैं, ऑडियंस सामने है, इसमें तो बहुत रोल लाइट और कैमरा वगैरह का होता है, तो एज एन एक्टर आपको कितना टाइम लगा इस कैमरे की के साथ एंगल समझने में? जी काफ़ी वक्त लग गया था, क्योंकि वो पता ही नहीं रहता था कि जब तक तीन कैमरे थे तब तक की बात करूँ किस कैमरे से लिया जा रहा है, और शुरुआत थी वो तो डायरेक्टर भी जब मेरा क्लोज ये लेना चाहिए कैमरा ये ऐसा, मतलब ऐसी मुझे क्या फेस करना है नहीं पता चलता था, काफ़ी दिनों तक कि ये मतलब उनके मूवमेंट से ये लगने लगा तीनों कैमरे वाले से कि क्या कि किस कैमरे के ऊपर हैं हम, या चार आदमी खड़े हुए हैं अगर क्लोज है आपका तो आपको महसूस हो जाता था, पर इस एहसास में अच्छा खासा वक्त लग गया था मुझे, तीन चार प्लेस के बाद में वो पकड़ पाया था मैं, और फिर जब सिंगल कैमरा हो गया तो उसमें तो कोई वही नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट पर देखिएगा, सेट पर भी बहुत सा कल्चर बदल गया कुछ शूटिंग एनवायरनमेंट के बदलने से, मतलब टेक्नोलॉजी के बदलने से, उससे क्या बिहेवियर पे भी असर आप देखते हैं कि लोकेशन पर जो ख़ासतौर पर जो टेक्निकल क्रू है उसको लेकर जो बिहेवियर कभी हुआ करता था और वो आज, उसमें दोनों में कोई आप फ़र्क पाते हैं कि जो बिहाइंड द सीन चाहे वो स्पॉट बॉयज़ हों या फिर मोटा काम करने वाले वज़न उठाने वाले टेक्नीशियंस, उनको लेकर जो एक नई जनरेशन अभी डायरेक्टर्स और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स और जो क्रिएटिव्स की जो फ्रंट में होते हैं उनका रवैया कुछ बदल, कुछ वर्क कल्चर में आपको कोई चीज़ ऐसी है जो कहती है कि नहीं ये तो बड़े अफसोस की बात है, चीज़ें बड़ी गिरावट की तरफ जा रही हैं, हमारे ज़माने में हमने तो ये देखा था वगैरह वगैरह? टेक्निकल स्टाफ में तो ऐसी कोई बहुत तब्दीली नज़र नहीं आई, हाँ वो डायरेक्टर एक्टर का एक अंडरस्टैंडिंग, जो मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि टाइम की कमी हो गई है, आप हर चीज़ जल्दी हर चीज़ जल्दी है, फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम डबिंग करते थे तो एक लूप आया करता था पूरा, वो लूप पे सिंग करना पड़ता था, नहीं हो हुआ तो पूरे का पूरा फिर से करना पड़ता था, वो एडिटिंग कोई वो नहीं फंसे, अभी तो ये साउंड के अंदर भी वो ये डिस्टेंस आ गया उसको ये कम कर दिया वो कर दिया, और लिपसिंग विपसिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और अब तो वो आ गया कि रिकॉर्डिंग वो डबिंग की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो एक रिलेशन अभी जो आपने बात पूछी कि डायरेक्टर और आर्टिस्ट में एंड एमंग द आर्टिस्ट, वो जिसको मैं ज़्यादा अच्छी तरह से बयान कर सकता हूँ कि वो पुराना ज़माना था तो एक फैमिली मेंबर्स का एहसास होता था,
मतलब एक एक वो वक्त आ जाता था जब एक कोई ना हो तो हम लोग उसको मिस करते थे, और तब ये कल्चर नहीं था कि वो अपने रूम में ज़्यादातर एक बड़ा वो होता था, हंसी मजाक वहाँ से निकल के फिर उसके बाद ये कि यार तुमने वो बहुत अच्छा किया, तुमने वो अच्छा किया, इसको ऐसे करते तो ये होता, ये भी होता था, उसके बाद ये भी होता था कि इसको कैसे किया जाए, तो वक्त था। आज चलो 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 ये सीन ख़त्म हो गया, लाइट करो, हाँ वी आर रेडी, बुला लो। मतलब अगर आप में सेंस नहीं है या वो जज्बा नहीं है तो आप बस वो लाइनें याद करते रह जाते हैं कि ये बोलना है, ये तो बोलना है। तो ये तब्दीली मतलब हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी नहीं है, मगर वक्त की डिमांड, वक्त का डिमांड यही है कि चल रहा है ऐसा। और वक्त की कमी के अलावा एक और पहलू जो हमें ख़ासतौर पर ऐसे एक्टर्स जो कई बार उनको कुछ दो सीन तीन सीन के लिए इम्पोर्टेंट एक्टर्स वो ये कहते हैं कि कभी जब मेन एक्टर क्यू देने के लिए रुक जाता है तो कितनी खुशी होती है। मतलब और ये पहलू मैंने पहली बार एक एक्टर से बात करते हुए जाना कि ये भी एक दर्द होता है कि एक्टर का, कि सब लोग तो अपनी अपनी लाइन के लिए या बड़े एक्टरों को जो छोटे एक्टर हैं वो क्यू देंगे, सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे, लेकिन उनका शॉट पूरा हुआ तो वो चले गए, उनकी जगह उनका कोई प्रॉक्सी कोई एडी खड़ा होकर एडी आके वो। हाँ, तो इसमें क्या आपका तजुर्बा है? ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। मैं आज भी अपनी बात बता रहा हूँ, अगर कोई इंटेंस सीन है, इमोशनल सीन है, इंटेंस सीन है, तो मैं खुद को आर्टिस्ट के लिए खड़ा होकर वो देता हूँ, क्योंकि एक सीन अगर है और उसमें ये हो गया, एक कमज़ोर पड़ गया, एक वो हो गया, तो अच्छा नहीं लगता, उस सीन के लिए नहीं अच्छा है। अभी जो मैं से कर रहा था एक सीरियल मरियम लाइव, पता नहीं पूरा मरियम नाम था उसका, तो उसके अंदर ऐसी एक सीन था, उसमें राजीव एक एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, तो मैंने वो सीन किया, जब मेरा एंगल लगा तो बहुत इमोशनल सीन की बोलते बोलते विदाउट ग्लिसरीन आंखों में आंसू आ गए, और मैं हो गया था, मैं तालियां वालियां बज गई, मैं आके बैठ गया। अब उनका जब राजीव का नंबर आया तो वो एडी जाके बोलने लगा, और वो तो मुझे वहाँ पर, मैं मॉनिटर पे बैठा हुआ था, मैंने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैंने कहा स्टॉप इट, आई एम कमिंग, मैं गया, मैंने जाके वो किया। लेकिन ये कल्चर भी, आई एम सॉरी टू से ये कल्चर भी ख़त्म हो रहा है। फिल्मों वगैरह में तो खैर इतने छोटे छोटे होते हैं क्लोजअप्स और ये वो, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, और बड़े एक्टरों को वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी पुराना स्कूल जो है वो इसी बात में बिलीव करता है कि वो अगर एक एक्टर भी कमज़ोर पड़ गया तो सीन कमज़ोर हो जाता है, और सीन कमज़ोर होने से फिर वो इफ़ेक्ट नहीं रह जाता है। तो इस वजह से होना चाहिए वही, मगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं ज़हीर साहब, जिस थिएटर की बात आप करते हैं कि उसने आपको एक ज़्यादा ग्राउंडिंग दी, एक मजबूती दी, कॉन्फिडेंस दिया, उसको फिर बाद में अपने इस पूरे बिजी शेड्यूल में आपने मुंबई आने के बाद कभी दोबारा ट्राई करने? मुंबई आने के बाद सिर्फ एक प्ले किया मैंने, एक्चुअली आपकी ईमानदारी की बात बताऊँ, हम लोगों को जुनून था काम करने का, वो जो थिएटर करते थे, यहाँ का थिएटर पूरा प्रोफेशनल है, मतलब हाउसफुल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, टिकट इतना है इतना, 500 रुपये 300 रुपये का टिकट, हम लोग तो 5 रुपये में टिकट बेची करते थे, खर्चा भी नहीं निकलता था, और सब मतलब कोई भी प्रोफेशनल नहीं थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, इस तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो
यहाँ के ऊपर जब मैंने किया तो देखा कि रिहर्सल की जगह नहीं है, आज उनकी शूटिंग है वो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी जगह कोई और बोल दे रहा है, कल मैं नहीं हूँ। किसी तरह से वो प्ले कर लिया, अच्छा था, शिमला कॉफ़ी हाउस नाम का था, बहुत बहुत पसंद किया गया वो प्ले। लेकिन उसमें कुछ मजबूरियाँ हो गई, उसके कुछ एक्टर टोटली बिजी हो गए डेली सोप में, तो 40-50 शोज़ के बाद में उसको बंद करना। अभी कल परसों में मुझे मैसेज आया है कि उसको हम रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो मार्च में उसके कुछ शोज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसका ऑफ़र दो एक, मतलब वो लोग बड़ा ग्रुप है, इप्टा के ही हैं वो डायरेक्टर, तो कुवैत में और दुबई में उसके शोज़ कुछ फिक्स होने को हैं, वो कह रहे थे, इसलिए रिवाइव करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। थिएटर है अच्छा यहाँ है, लेकिन वो नज़रिया कमाई का है, और हम लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके उसे करते थे। अब गाज़ियाबाद से दिल्ली आता था, 22-23 किलोमीटर था, मोटरसाइकिल पे आया करता था। अगर आपको अंदाज़ा हो तो अपनी तरफ की जाड़ों की रातें याद हैं, तो 9 से 5 तक सर्विस करके 6 बजे रिहर्सल को आता था, वहाँ पहुँचता था, 9-10 बजे घर पहुँचता था। तो आप यकीन मानिए कि मोटरसाइकिल से वो उतरता था दिसंबर जनवरी की रातों में, तो ये उंगलियां सीधी करने में वक्त लग जाता था, लेकिन था जुनून। बीवी से भी लड़ाई हो जाती थी, आप दिन भर नौकरी करते हैं और शाम को वहाँ चले जाते हैं, हमारी क्या लाइफ है, वगैरह वगैरह। फिर उनको मनाने के लिए जैसे प्ले ख़त्म होता था, कभी नैनीताल लेके चले गए, कभी मतलब घूस दे देते थे। तो ठीक है ज़हीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये शुक्रिया आपका, आपने इतनी ज़हमत की, तशरीफ़ लाए यहाँ पर, अच्छा लगा बात करके। मेरी सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए, आपके प्रोग्राम के लिए, गुफ्तगू आपकी ऐसी ही चलती रहे आगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में आज हमारे साथ थे जाने माने अदाकार SM ज़हीर। कुछ कहना चाहते हो इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर guftagu@rekhta.org पर। आपका बेटा बड़ा हो गया पापा, और अब हमारा घर भी। गेट क्विक एंड इजी होम लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बरोडा फॉर योर ड्रीम होम।